बिहार विधानसभा का चुनाव होना महज कुछ ही दिन बचा हुआ है। ऐसे में बहरिया विधानसभा इस समय हॉट सीट बना हुआ है। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अशरफ अली लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, जनता के बीच अनोखे अंदाज में वोट मांगने पहुंच रहे हैं। इसी दौरान आज डॉक्टर अशरफ अली ने ऑटो पर सवार होकर बहरिया विधानसभा के पचरुखी बाजार में घूमकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। आपको बताते चले कि बहरिया में जदयू विधायक नीतीश कुमार के करीबी श्याम बहादुर सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अशरफ अली की लड़ाई आमने सामने होते दिख रहा है। देखिए, रैली है या जनसंपर्क है, मैं अपने जनता के बीच में, बड़हरिया विधानसभा के जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता से जन समर्थन लेने के लिए। और जनता पूरी तरह से खुले दिल से एकदम होशो हवास में डॉक्टर अशरफ अली को पूर्ण रूप से समर्थन दे रही है और पूरे भीड़ भड़ाके में मेरे साथ आ रही है। इससे यही पता चलता है कि अब जनता इस बात को तय कर चुकी है कि हमारा प्रतिनिधि करने वाले डॉक्टर अशरफ अली ही हैं। समय बहुत कम है, आज कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में आपके प्रति लोग किस तरह से गुलबंद होंगे, क्या लग रहा है? देखिए, अब तक लोग तो इस बात को अपने दिल में छुपा के रखे थे कि हम कैसे किसी को बताएं कि हम किसके साथ हैं, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आते जा रहा है, यहाँ पर सब कुछ खत्म होते जा रहा है। कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, सिर्फ व्यक्तित्व की बात आ रही है कि हमारे क्षेत्र का कौन विकास करेगा, हम लोगों के साथ कौन रहेगा और हम लोगों के सुख दुख में कौन सेवा करेगा। और ये जान रही है पब्लिक कि डॉक्टर अशरफ जो है 13-14 वर्षों से पूरे विधानसभा की सेवा करते आ रहे हैं, गरीबों का खिदमत करते आ रहे हैं, चाहे वो जिस रूप का हो, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, हमेशा मेरे पास आते रहा है। अशरफ अली अगर यहाँ से जीत कर जाते हैं, यहाँ की जनता जिता कर भेजती है, तो उनका प्राथमिकता क्या हो? मेरी प्राथमिकता यही है कि मैं सबसे पहले, बहुत दिन से बोलते आ रहा हूँ, एक पचरुखी बाजार में, एक तरवारा बाजार में और एक बड़हरिया बाजार में एक सरकारी शौचालय खुलवाऊँगा। उसके बाद से हर एक जगह जाम का समस्या रहता है, इस जाम की समस्या को हटाऊँगा। उसके बाद से यहाँ का शिक्षा स्तर बहुत ही बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही डगमग है, इन सारी चीज़ों को मैं सुधारूंगा और इस पर कोशिश करूंगा कि जनता के बीच में सहजतापूर्वक सरकारी जितनी योजनाएं हैं वो चली जाए। क्या ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके दल के बड़े बड़े नेता आज जनसभा कर रहे हैं, वैसे में क्या लगता है आपको? देखिए, दल के बड़े बड़े नेता हूँ तो दल के बड़े बड़े नेता तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव तो इस जनता के बीच में 15 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ़ थोड़े रह रही है, जो अभी मैंने बतलाया कि ऊपर मत देखिए, नीचे देखिए, बड़े बड़े नेता ऊपर वाले होते हैं, वो ऊपरे ऊपरे आएंगे या ऊपरे ऊपरे चले जाएंगे, जनता इस बात को समझ रही है। जनता ये जान रही है कि हमारा अपना प्रत्याशी बड़े बड़े नेता नहीं होंगे, जो उसके बीच वाले प्रत्याशी हैं वही हो सकते हैं। तो जनता हमेशा इस बात को होशोहवास में समझ रही है, बड़े नेताओं से कोई मतलब नहीं, जनता हमेशा अपने प्रतिनिधियों के बीच में, उसके बीच में रहने वाले जो प्रतिनिधि है उसको चुनेगी।